गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड इवनिंग बच्चों एंड गुड नाइट बच्चों। जब भी आप इस वीडियो को देखें, सुबह शाम दोपहर, उसके लिए केमिस्ट्री के सरफेस केमिस्ट्री, जिसमें मैं कैटलिस्ट पढ़ा रहा था, ठीक है। अब लेक्चर 4 चल रहा है उसका, मतलब ये लास्ट टॉपिक चल रहा है लगभग क्योंकि बहुत सा पोर्शन माध्यमिक शिक्षा परिषद के ने निकाल दिया है, ठीक है। तो उनको मैं हटा कर बाकी जो बच रहा है, जो सिलेबस में है, बस उसी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इसमें एंजाइम कैटालिसिस एक था जो कि निकाल दिया गया है, लेकिन कैटालिसिस का एक लॉक एंड की मॉडल है, उसको पढ़ना है। लॉक एंड की मॉडल ऑफ कैटालिसिस, ठीक है, समझ ही रहे होंगे आप लोग। लॉक एंड की मॉडल मतलब क्या हुआ, ताला चाबी मॉडल, ठीक है। तो क्या है ये ताला चाबी मॉडल, थोड़ा सा फिगर के थ्रू समझा जाए। हाँ तो बच्चों, ये मैंने फिगर ड्रा कर दिया, ठीक है। मैंने जैसे बताया था आपको कि कोई भी इसकी स्पेसिफिसिटी होती है, मतलब कि कोई भी कैटलिस्ट किसी भी रिएक्शन में नहीं डाल सकता, उसके लिए स्पेसिफिसिटी होती है, ठीक है। तो इसमें देखा जाए कि ये कोई सब्सटेंस है, ठीक है। इसमें मैंने कोई एंजाइम डाला, एंजाइम मतलब क्या, कैटलिस्ट डाला, ठीक है। ये कैटलिस्ट कवर कर रहा है, इसमें मैंने डाला। इसके साथ देखिए, जैसे ताला और चाबी एक दूसरे में बंद होते हैं, सेम उसी तरह यहाँ पे बंद हुए। इस एंजाइम ने इस सब्सटेंस को इंक्रीज किया, इसके रेट ऑफ रिएक्शन को, इसकी प्रॉपर्टी को इंक्रीज किया और ये प्रोडक्ट मिल गया। और जिस तरह यह एंजाइम था, स्वयं उसी तरह बाहर निकल गया, तो कैटलिस्ट की तरह वर्क किया। तो एक स्पेसिफिसिटी इसमें जो दे रहा है, वो इसमें ज्वाइंट करके कॉम्प्लेक्स बनाता है, फिर प्रोडक्ट में यहाँ बाहर निकल जाता है, ठीक है। लगभग यही टॉपिक आपको बचा था, बाकी सब के सब हम यहाँ से निकल चुका था। थैंक यू।